प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दुमका में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान मंच पर उनके साथ सीएम रघुवर दास, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। उन्होंने लोगों से बीजेपी को दोबारा मौका देने का आह्वान किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी को हमेशा झारखंड की जनता का साथ और समर्थन मिला है। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष को सिर्फ सत्ता की चिंता है, तिजोरी भरना और अपने परिवार की चिंता करना ही उनका मकसद है। जेएमएम ने संताल के साथ धोखा किया, उनका सिर्फ एक एजेंडा है, बीजेपी का विरोध करो, मोदी को गाली दो, इसके अलावा उनका कोई खास काम नहीं। बीजेपी का विरोध करते करते उनको देश का विरोध करने की आदत हो गई है। दुमका से हमारे सहयोगी अविनाश अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश का रुख करते हैं। अविनाश, दुमका में आज प्रधानमंत्री और पांचवें चरण को साधने की कोशिश, या यूं कहें कि संताल को साधने की कोशिश प्रधानमंत्री ने बखूबी की है स्टेट से। नहीं, जरूर। और अगर हम कहें यहाँ पर जिस तरह से सभा हुई और सभा के दौरान दो तीन चीजें स्पष्ट हैं, आपने भी जिस तरह से आशिया बताया। पहला अगर हम कहें राष्ट्रीय मुद्दों के लिहाज से अगर हम बात करें तो यहाँ नागरिकता कानून को लेकर उन्होंने उल्लेख किया, और कैसे कांग्रेस या विपक्ष की अगर हम बात करें तो कांग्रेस और विपक्ष का जो रुख है उसको लेकर उन्होंने तल्ख टिप्पणी भी की है। उन्होंने यह भी कहा है कि उनका विरोध सिर्फ बीजेपी और नरेंद्र मोदी तक अब सीमित नहीं रह गया है, वो इस विरोध के स्वर के बीच में ये भूल गए हैं कि अब वो उनका विरोध देश के लिए हो रहा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जेएमएम, जो कि लगातार अगर हम कहें संथाल में अगर कोई सभा हो रही हो और उसमें जेएमएम का जिक्र नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता है। और पीएम नरेंद्र मोदी ने भी कांग्रेस और जेएमएम दोनों पर ही निशाना साधा है और कहा है कि जेएमएम से बहुत ज़्यादा लोगों को उम्मीद थी। यहाँ के संथाल के लोगों ने जेएमएम को अपने सिर आंखों पर बिठाया, उनको मौका दिया, लेकिन उन्होंने दगा दिया है आम जनता के साथ, सिर्फ और सिर्फ अपना भला किया, उन्होंने अपनी तिजोरी भरने का काम किया है और यहाँ संथाल में जो विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं हो पाया। तीसरी अगर हम बात करें जिस विकास को लेकर लगातार सभाओं में सुनने को मिलते हैं, वो सारी चीजें, चाहे वो उज्ज्वला योजना की बात करें, आयुष्मान भारत योजना की बात करें, पीएम आवास योजना की बात करें, इन सारी योजनाओं का जिक्र भी यहाँ इस मंच से किया गया है। और एक बारीकी वाली बात अगर आप कहें कि पहले की सरकार जो एसी कमरे में बैठकर योजनाओं को बनाती थी, अब आम जनता के बीच से योजनाएं बन रही हैं, उन्हें कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले उसको लेकर सरकार जो है मंतव्य लेती है, आम जनता से मंतव्य लेती है, क्योंकि ये जनता की सरकार है। तो इन सारी बातों को बहुत ही तरीके से इस सभा के माध्यम से रखा गया है। और हर एक नेता की अगर हम बात करें यहाँ से जिस तरह से मंच से उन्होंने कहा, खासकर अगर हम निशिकांत दुबे की बात करें, वो कार्यक्रम शुरू होने से पहले उन्होंने बहुत बड़ी बात कही आसिया, उस पर जरूर ध्यान देना होगा और उसका संथाल परगना की राजनीति में एक असर भी पड़ने जा रहा है। उन्होंने कहा है कि एसपीटी एक्ट को लेकर उन्होंने एक बयान दिया है और कहा है कि जो यहाँ गैर आदिवासी हैं उनको जमीन खरीद बिक्री का हक मिलना चाहिए, और अगर यहाँ पर बीजेपी की सरकार बन रही है, बहुमत की सरकार बन रही है, तो सबसे पहले वो बीजेपी के मुख्यमंत्री से ये मांग करेंगे कि यहाँ इस कानून को लेकर जो अड़चन है, जो लोगों को परेशानियाँ हो रही हैं, उससे मुक्ति मिले। मतलब एसपीटी संशोधन की बात निशिकांत दुबे ने इसी मंच से कही है। मुख्यमंत्री ने अपने काम को लेकर जो उन्होंने किया है पिछले 5 साल में, उन्होंने जो काम किए हैं, राज्य को जैसे विकास के गति देने का काम किया है, उन सारी बातों पर सबसे ज़्यादा उन्होंने फोकस किया और कहा है कि किस तरह से जो पिछले सरकार रहे हैं उनके जो कार्यकाल में जो कार्य किए गए, विकास योजनाओं को लेकर जो दावा किया जा रहा था, उसके विपरीत अगर हम बात करें इन पिछले 5 वर्षों में जो कामकाज हुए हैं उसकी तुलना करने की ज़रूरत है, एक मौका फिर से मिलने की ज़रूरत है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार अगर राज्य में बनती है तो ये जो विकास की गाड़ी है वो और आगे बढ़ेगी और तेजी के साथ आगे बढ़ेगी। आसिया, चलिए शुक्रिया अविनाश इस तमाम जानकारी के लिए। तो संथाल को साधने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है, बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक ने, और उत्साहित भी, आशान्वित भी, और हो भी क्यों ना, क्योंकि लोकसभा चुनाव का परिणाम भी ऐसा रहा कि जिसे गढ़ कहा जाता था जेएमएम का, उसमें बीजेपी ने सेंधमारी करने में कामयाबी हासिल की है और विधानसभा चुनाव में इस किले को पूरी तरह फतह करने की कोशिश बीजेपी की होगी और शायद इसी मकसद से स्टार प्रचारक दुमका में नजर आए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रही न्यूज 11 के साथ। सच है।